क्या काम आपने दलितों के लिए किया? अपराध में फर्स्ट, गंदगी में फर्स्ट। ये सरकार दलित विरोधी है। ये चुनाव के समय इनको दलित याद आ रहे हैं, चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं। सर, स्वागत है आपका DTW न्यूज। पहले ये बताइए, जो कह रहे हैं कहाँ तक सही है? देखिए, इस पर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कल कह दिया कि ये तो दलितों के घर में एक तरह से हत्या को प्रमोट कर रहे हैं। भाई, काहे नहीं आती? पिछड़े के घर में हत्या होगा तो उसको क्यों नहीं मिलेगा नौकरी? स्वर्णों के घर में होगा हत्या तो स्वर्ण के परिवार में क्यों नहीं मिलेगा नौकरी? नीतीश कुमार जी, ये जो आपका चुनावी दलित कार्ड है, ये हमारे दलित भाई जानते हैं कि 15 वर्षों तक मौका मिला, क्या काम आपने दलितों के लिए किया? अभी 15 वर्षों में सरकार में मंत्री थे श्याम रजक जी, दलित मंत्री, वो छोड़कर क्यों आए? उन्होंने कहा कि दलितों के साथ अन्याय हुआ है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वो हम लोगों के साथ आए। उदय नारायण चौधरी हम लोगों के साथ क्यों आए? रमई राम हम लोगों के साथ क्यों आए? ये सरकार दलित विरोधी है। ये चुनाव के समय इनको दलित याद आ रहे हैं और ये लॉलीपॉप और झुनझुना जो दिखा रहे हैं दलितों को, अब दलित भाई इनके झांसे में नहीं फंसेंगे। मेरा ये आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि फर्स्ट बिहार और का पोस्टर बाहर लगा हुआ है, अभी मांझी ने जो पोस्टर लगवाया कि फर्स्ट बिहार मतलब नीतीश कुमार, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये फर्स्ट बिहार क्या करेंगे, अंतिम बिहार कर दिया ना। देश में अपराध में फर्स्ट, गंदगी में फर्स्ट। पटना 2700 करोड़ का स्मार्ट सिटी खर्च हुआ, गंदगी में फर्स्ट हो गया, अपराध में फर्स्ट और विकास में अंतिम। ये क्या फर्स्ट बिहार और सेकंड बिहार करेंगे? अब जनता वर्चुअल रैली कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? भाई, एक्चुअल रैली गांधी मैदान में किया इन्होंने, एक्चुअल रैली में तो भीड़ नहीं आई, अब इनका वर्चुअल में कौन जुड़ेंगे? अब वर्चुअल से नहीं होगा, ये वर्चुअल डिजिटल जो भी करे, एक्चुअल में जनता ने साथ छोड़ दिया है, चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी थे, जिन्होंने बताया कि वो जो दलित कार्ड जो खेल रहे हैं नीतीश कुमार, ये बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होगा। फिलहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।